हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कल का व्लॉग हमने छोड़ा था होटल में जाते हुए। जी हाँ, पहले वो कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा होटल है और क्या क्या एक्टिविटीज कल मैंने की। सो गाइस, अभी हम चलते हैं होटल। चलो गाइस चलते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए हैं अपने आज के पहले ठहराव पर, जो कि है होटल समिट बाय गंगस। सो गाइस, ये है आज का हमारा रूम। एंटर करने पे ये भाई आपकी वार्डरोब है, ये है आपका वॉशरूम, ड्रायर भी है, और ये है भाई आपका होटल रूम जो है गंगा फेसिंग। जी हाँ, वो है गंगा। सो भाई, ये मेरा सामान आ गया है सारा। अब भाई मेरे पास है 20 मिनट का टाइम, पूल फिर बंद हो जाएगा, ऊपर है स्विमिंग पूल, तो मैं जा रहा हूँ पूल पे। पूल के बाद भाई और जो आसपास में प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। तो मेरे पास एक ही दिन है, मतलब आज की रात और कल की सुबह, और चलते हैं भाई पूल में, सीधे पूल का शॉट आएगा अब। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left of. So guys, ये है समिट बाय गंगस का पूल। बहुत बड़ा नहीं है, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है, छोटा ही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी नहा रहे हैं फैमिलीज के साथ। और पूल के जस्ट बाहर आपको देखने को मिलेगा गंगा रिवर, और नीचे भाई आरती भी हो रही थी जब तक पहुँचे, जब तक आरती ख़त्म हो चुकी थी। सो गाइस, अब हो गया डिनर का टाइम, और यहाँ भाई होटल का खुद का अपना रेस्टोरेंट है, तो थकान भी हो गई है पूरे दिन से, तो मैं सोच रहा हूँ डिनर आज यहीं कर लेते हैं। और रेट्स भी भाई बहुत नॉमिनल है, हमारे मुरथल से भी ज़्यादा सस्ते रेट है। तब चलते हैं रेस्टोरेंट और करते हैं डिनर। ये कुछ भाई इनका डाइनिंग एरिया है। बाहर बैठ के भी आप डिनर कर सकते हैं, और यहाँ पे भी फैमिली कर रही है भाई बाहर डिनर। और ये बुफे है, यहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो ठीक है भाई, हम भी अपना कुछ ऑर्डर करके और अभी डिनर कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों मेन्यू, ठीक है, ये तो ब्रेकफास्ट मेन्यू है, मेन कोर्स मेन्यू देखो। रेट भाई बहुत नॉमिनल है दोस्तों, इनसे ज़्यादा महंगे तो हमारे वहाँ पे मुरथल के रेट हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये वेज नॉन वेज दोनों के लिए ऋषिकेश से बाहर निकल के गए, बट भाई मैं तो आज वेज खाऊंगा क्योंकि देवभूमि पे आए हैं, तो मन ही नहीं मान रहा नॉन वेज खाने का। तो मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ अभी और मस्त खाता हूँ। सो गाइज, ये कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे करवा सकते हैं, जैसे कि माउंटेन बाइक 100 पर आर, अपना कैंडल लाइट है 2500 पर कपल, प्राइवेट बोनफायर 2000 फॉर 2 आवर्स, प्राइवेट गंगा आरती 2000 पर आरती, वेडिंग फोटोशूट 7000 ऑनवर्ड्स, रिवर राफ्टिंग 600 ऑनवर्ड्स। और गाइस, अभी मैं आपको लेके चलूँगा मॉर्निंग में जो इस होटल की प्राइवेट बीच है वहाँ पे, और भी जो प्रॉपर्टी है वो भी सारा भाई दिखाता हूँ। कल तो रात हो गई थी, तो अंधेरे में ज़्यादा कुछ अच्छे से देख नहीं रहा था, बट अभी आपको लेके चलूँगा। उससे पहले मैं निकलता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइमिंग हो चुकी है। सो गाइस, रूम से निकलते ही कुछ ऐसा आपको व्यू मिलता है। एग्स, ये है दोस्तों आज का हमारा ब्रेकफास्ट मेन्यू। स्वीट लस्सी, फ्रेश जूस, फ्रूट्स, चटनी, सैंडविच, पराठा, छोले, वर्मिसली, ये क्या होता है,
सांभर, उत्तपम, साउथ इंडियन भी है, वी हैव इन आवर मेन्यू, और ब्रेड टोस्ट, बॉइल्ड एग, आपके कॉर्नफ्लेक्स। गाइस ये है ब्रेकफास्ट टाइम और भाई बहुत बढ़िया सुबह है भाई। दो तीन शिफ्ट में ब्रेकफास्ट होने वाला है, शुरुआत करते हैं बहुत लाइट से। दोस्तों मैं आज भी अपना जो मेन्यू है ब्रेकफास्ट का वो वेजिटेरियन ही रख रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट फील लाइक ईटिंग नॉन वेज। मैंने डिनर में भी नहीं खाया था नॉन वेज, और ऑप्शन है बहुत सारे बट बाद में देखते हैं जब इच्छा ही नहीं हो रही है मन से। और गाइस सेकंड राउंड में है हमारा साउथ इंडियन। सो गाइस अभी ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको एक दिखा दूँ एक और लोकेशन जो बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे आप अपना तंबू खोलें, छतरियाँ खोलें और बैठे भाई नज़ारे लें। ओ राफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। चलो अब आपको लेके चलता हूँ भाई बीच पे। इस प्रॉपर्टी को बुक करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था दैट दे हैव देयर ओन बीच, प्राइवेट बीच। तो चलो बीच पे चलते हैं। और भाई ये आ गए हमारे बजरंग बली जी प्रॉपर्टी के बीच में। बीच पे से वापस आके आपको यहाँ पे अपने पैर धोने का ऑप्शन मिलता है। बजरंग बली जी पता नहीं अब क्या करेंगे भाई। बजरंग बली जी हमसे नाराज हैं, बजरंग बली जी हमारे ऊपर ही कूदने वाले थे। बहुत खतरनाक सीन है भाई। अब चलते हैं भाई बीच की तरफ। और भाई ये है आपका स्विमिंग पूल जो मैंने कल आपको रात को भी दिखाया था, अब भी दिखा रहा हूँ। ठीक है ये भाई ज़्यादा बड़ा नहीं है पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए भी है, आपको बैठना पड़ेगा बट ठीक है, ठीक ठाक है, बैठ भी सकते हैं आप आराम से यहाँ पे बैठ के भाई नज़ारे ले सकते हैं। सो ये रास्ता है गाइस बीच के लिए, उधर से भी कनेक्टेड है ये और ये भी है। और बीच ही से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जस्ट रिवर साइड में है ये। यस ये जो प्राइवेट वाली राफ्ट्स हैं ये जो प्राइवेट लोग करवाते हैं, और उसमें ये थोड़ा सा फ़र्क है जो हमने कल राफ्टिंग की और इसमें। वहाँ वो होटल है, ये गंगा मैया, और भाई ये आपकी बीच है। ओ ठंडा ठंडा पानी, इस पानी बिल्कुल बर्फ है। ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा बट हाँ पानी बहुत ठंडा है भाई। ये चेतावनी है बीच पे, यहाँ पर स्नान करना सख्त मना है, तेज बहाव में गहराई अधिक। तो गाइस यहाँ पे आप नहा तो नहीं सकते, परमिशन नहीं है, पर हाँ आप बीच के किनारे बैठ के मज़ा ज़रूर ले सकते हैं और इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये देखिए गाइस कयाकिंग भी हो रही है और राफ्टिंग भी हो रही है। आई गेस कयाकिंग प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं या कैसे है। जय गंगा मैया। हेलो भाई आप, मैं कह रहा था पानी ठंडा है, लोंडा हमारा हॉट है, अंदर नहीं जाना पानी गहरा है भाई। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ स्नान करना मना है, पर ये भी मेरे को बोल सकता है कि भाई मैंने तो बस पैर ही डिप किए हैं, वेरी चंट को आए। गाइस आपको इस वीडियो में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, देखिए इट्स अ बर्ड, इट्स अ प्लेन, इट्स अ आदमी लटकिंग ऑन जिपलाइन। देखिए गाइस, सो गाइस ये जो आपको राफ्ट मिल रही है ये मिल रही है प्राइवेट बेसिस पे। अब मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो भाई मेरी अभी है ना उन भैया से बात हुई राफ्ट वालों से, मैंने कहा भैया अभी तो राफ्टिंग बड़े वाली तो बंद है, यहाँ कैसे हो रही है? तो इन्होंने बताया कुछ बंद नहीं है बट हाँ जो भीड़ भड़ाके वाले राफ्टिंग कराने वाले हैं जिनके पास मतलब दिन के बहुत क्लाइंट्स आ रहे हैं तो वो बस छोटे वाली करा रहे हैं क्योंकि उनके बस की नहीं है बड़े वाली कराना, जो सेफ्टी मेजर्स हैं या दे आर नॉट कैपेबल कि वो हैंडल कर पाए सिचुएशंस को क्योंकि पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। बट हाँ जैसे ये वाली राफ्ट्स हैं ये इनका भाई टाई अप होता है 5-स्टार प्रॉपर्टीज़ से, तो इन भैया ने मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत ही प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन दी। तो एक पॉइंट ज़रूर है कि
अगर आप राफ्टिंग करने आ रहे हैं तो प्लीज़ गो विद प्रोफेशनल वंस, क्योंकि जिनके साथ मैंने कल राफ्टिंग की थी भाई वो भी एक जर्नल कैटेगरी के बंदे थे कि भीड़ भड़ाके वाले ही, ना उन्होंने हमें वीडियो बनाने दी, ना कुछ और करने दिया, ना खुद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, एंड बिहेवियर वॉज ऑल्सो सो सो। मैं तो थोड़ा सा टाइटली बात कर रहा था, तो मुझसे ठीक से बात कर रहे थे, नहीं तो बाकी जो बच्चे थे उनसे भाई इसी तरीके से बात हो रही थी उनकी। सो ये एक टिप है, अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो प्रोफेशनल को चूज़ करें, ना कि नौ सिक्कियों को। ये है भाई यहाँ पे प्लेइंग एरिया, टेबल फुटबॉल आप खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड है, चेस है, टीटी है, और भी एक्टिविटीज़ हैं, और पूरा भाई सेंट्रलाइज्ड एसी है। ये सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी ये, ये देखो गाइस कितना रॉयल फील देता है ना ये। और एक और बात हो रही थी गाइस कल, ये है मेरा रूम, यहाँ पे बच्चों का खेलने का है, कल पता नहीं किसके बच्चे थे भाई, इतना शोर। So guys, it's time to leave this hotel. और अपनी कुछ accessories, ये भाई मेरा shoe bag है, isn't it good? और ये भाई मेरा accessories bag है, तो चलते हैं भाई। ये मेरा आज का outfit है, यहाँ हो रही है भाई अब बारिश, मौसम तो बढ़िया हो गया है, बट भाई कई सारी activities आज जो करनी है शायद वो ना affect हो जाए इसकी वजह से, तो चलिए अब चलते हैं इस होटल से चेकआउट करते हैं। सो गाइस बेसिकली दिस होटल हैज़ 5 फ्लोर्स, 5th, 4th, दिस इज 3rd फ्लोर, नीचे बस रूम्स हैं और थोड़ा बहुत प्लेइंग एरिया है। दे हैव दिस लिफ्ट फैसिलिटी, एंड ये आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट एरिया है, ये आउटसाइड रेस्टोरेंट, और वो आपका रिसेप्शन है, ये आपका 4th फ्लोर, दिस इज 3rd फ्लोर। सो गाइस इट्स टाइम टू चेक आउट, और हल्की हल्की बारिश आप देख ही पा रहे हैं, वहाँ है भाई हमारी कार। सो गाइस चलते हैं अब भाई, गाइस वैसे तो हो रही है बारिश बट देखते हैं, अभी चलना तो है ही बाहर, कुछ एक्टिविटीज़ में हो सकता है भाई प्रॉब्लम आए करने में, बट लेट्स सी क्या रहता है। सो गाइस अब इस होटल से चेकआउट करके फाइनली मैं जा रहा हूँ थ्रिल फैक्ट्री। थ्रिल फैक्ट्री में भाई कैसे क्या होने वाला है वो आपको भी दिखाता हूँ।